मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेडिस्टार पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली अंगूठे में होने वाले दर्द के बारे में। सर, अगर अंगूठे में पेन हो रहा है सर, ठीक है, तो उसका कारण क्या होगा, लक्षण क्या होगा, इलाज क्या होगा? ऐसे में काफ़ी जो है व्यक्ति कन्फ्यूज रहते हैं, काफ़ी प्रैक्टिशनर काफ़ी जो है परेशान रहते हैं। क्या इलाज देंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ कारण होता है अंगूठे में दर्द होने का, जैसे हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ गई है सर, यूरिक एसिड जो है ब्लड में अधिक हो गया है तो दिक्कत होगी, गाउट है, गठिया की प्रॉब्लम है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी जो है अंगूठे में दर्द हो सकता है सर, ठीक है। ऐसे में एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, टेबलेट ओवेरान SR 100 आता है जिसमें डाइक्लोफेनेक 100 mg होता है, इसको जो है सुबह शाम एक एक गोली दी जाती है। और क्या है, स्टेरॉइड के तौर पर डेफ्लाजाकार्ड 6 mg जो है सुबह शाम दी जाती है, समझ रहे हैं। अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है बर्दाश्त से बाहर, वैसे तो बर्दाश्त से बाहर पेन होता नहीं है, अगर बर्दाश्त से बाहर है तो ट्रामाडोल का या फिर डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। यहाँ लिखा गया है ट्रामाडोल 100 mg का इंजेक्शन IM करेंगे, तुरंत लगा देंगे। गैस वगैरह कंट्रोल करने के लिए Pentap DSR मतलब PPI देंगे, चाहे ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन दें, चाहे रेबीप्राजोल डोमपेरिडोन दें, चाहे पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन दें, खाली पेट एक जो है दे देंगे, ठीक है, क्योंकि डाइक्लोफेनेक चल रहा है तो गैस बनता है। अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो उसको प्रोटीन रिच डाइट लेने की एकदम से बंद करना है, मतलब उसको प्रोटीन वाली डाइट बिल्कुल भी नहीं देना है। फली वाली चीज़ें, दाल जैसे मूंगफली हुआ, फली वाली चीज़ कोई भी नहीं देना है, ठीक है सर। मटर की दाल, किसी भी चीज़ की दाल नहीं देना उसको। और एलोप्यूरिनेल 100 mg का दिन में एक बार देंगे, 15-20 दिन देते हैं, ठीक है सर, महीने भर आराम मिल जाता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड को भी जाँच करवाना जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है यूरिक एसिड। सो अभी आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।